प्रतापगढ़ में फ्लॉप शो रहा बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। 5 से 7 हजार की भीड़ जुटाने के लगी थी बसपा, लेकिन कार्यक्रम बसपा के पूर्व विधायक के घर के लॉन में किया गया आयोजित, जिसकी क्षमता महज कुछ सैकड़ा लोगों के बैठने भर की रही। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र 1.5 घंटे विलंब से पहुंचे तो बसपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। ढोल ताशे शंख घड़ियाल और 51 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच किया गया स्वागत। कार्यक्रम में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। इस दौरान जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बाबत पूछे गए सवाल पर बोलने से बचते नजर आए सतीश मिश्र। बिना राजा भैया का नाम लिए बोले सतीश मिश्र, अब की बार सभी सीट बसपा जीतेगी। प्रतापगढ़ ब्राह्मणों का मजबूत गढ़ है, ब्राह्मण किसी से डरते दबते नहीं है और इस बार बहुजन समाज पार्टी का साथ देंगे। टिकैत द्वारा लखनऊ को दिल्ली बनाने की बात पर बोले, आंदोलन के बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है, हमारी सरकार बनी तो किसानों को जरूर न्याय दिलाएंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछली सरकार में भी आपने देखा, यहाँ से प्रतापगढ़ से सबसे ज्यादा MLA बहुजन समाज पार्टी के चुन करके गए, और अब की बार पूरा विश्वास है कि अब की बार सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ में जीतेगी। प्रतापगढ़ जो है ब्राह्मणों का एक मजबूत गढ़ है, जहां पर कि मजबूत ब्राह्मण और जो डरते दबते नहीं हैं, इसलिए किसी के दबाव में, किसी के आतंक में वो आने वाले नहीं हैं। अपनी मजबूती से वो लड़ाई लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का साथ देते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो भी व्यक्ति लड़ रहा होगा उसको जितवाने। आप ब्राह्मण को कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं ब्राह्मण को इस समय, कहाँ पे देखते हैं आप ब्राह्मण? ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ मन बना लिया उसने कि अब हम रहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।